यूपी में चलेगा अवैध कब्जों पर बुलडोजर, प्रशासन हरकत में। साहिबाबाद गाजियाबाद शालीमार गार्डन में दुकानों के आगे और सड़कों पर जो अवैध कब्जे सालों से किए गए थे, उन सब पर अब प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ा है। जब भी समाजवादी पार्टी आई या भारत बहुजन समाजवादी पार्टी आई, तो इन कब्जों को हमेशा मजबूती मिली और दिखावे के तौर पर एक दो कब्जे गिराकर नगर निगम चला जाता था। हालांकि ये कार्यवाही कोई नई कार्यवाही नहीं है, इस तरह की कार्यवाही होती रही है, लेकिन कुछ समय के लिए नगर निगम अवैध कब्जे तोड़कर चला जाता था एक दो, और उनके जैसे ही वो जाते थे दोबारा से उन अवैध दुकानों को फिर से सजा दिया जाता था। बहरहाल इस बार योगी की सरकार आई है जो शायद शहर का एक अच्छा विकास चाहती है, हमारी खूबसूरत जितनी भी सड़कें हैं इनको चौड़ी और खूबसूरत बनाना चाहती है और एक अच्छा सिटी लोगों के सामने रखना चाहती है। इस बार लगता है ये अवैध कब्जे अब दोबारा, ख़ासकर जब तक योगी सरकार है, ये अवैध कब्जे अब नहीं होंगे। करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन द्वारा तबाह कर दिया गया, कई चेतावनी देने पर भी ये कब्जे नहीं हटे और लगातार कब्जों में बढ़ोतरी ही होती रही। अब मामला साफ है कि अब जो कब्जा होगा आइंदा, उसका खुमियाजा पब्लिक खुद भुगतेगी। हालांकि नुकसान सीधे गरीबों का हुआ है, इनसे इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अवैध कब्जे हमारे शहरों में सही हैं। चलिए बात करते हैं कुछ अधिकारियों से। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर, जिला गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चल रहे अतिक्रमण के बारे में आपसे आज कुछ चर्चा करेंगे। सर, ये पहले भी हटाया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये क्या परमानेंट के लिए हटाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, नगर निगम और मजिस्ट्रेसी और पुलिस के सहयोग से आज जो शालीमार क्षेत्र है, यहाँ पर जो सड़क है, जो दुकानें हैं, जो इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने की प्रक्रिया की जा रही है और इनको साथ साथ एक नोटिस पहले भी दी गई है और इसके बाद भी इनको एक नोटिस दी जाएगी कि जो दोबारा पुनः ऑक्यूपाई करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाएगा, और इसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर, ये जो पहले इनको क्या नोटिस दिया गया था, इसके तहत काम हो रहा है? जी हाँ, इनको जब भी ये इंक्रोचमेंट की कार्रवाई कहीं भी होती है तो वहाँ पर नगर निगम की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है, और नोटिस को जो उनकी समय अवधि खत्म होने के बाद पुलिस जो है अपना नगर निगम के सहयोग से जबरदस्ती या कह लें कि इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई करती है। सर, ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये अभी तो फिलहाल आपका काम दुकानों के ऊपर चल रहा है, तो क्या बाद में क्या रेडी रोड जो रिक्शे वाले हैं इनके ऊपर भी किया जाएगा किसका? देखिए, इंक्रोचमेंट कैसा भी हो, चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।